गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी विच सेवा दा आदर्श बड़ा डूंगा है, पर अज असी सिर्फ बारमुखी प्रचलित कुछ सेवावां दा जिक्र करांगे। जड़ा सी रोजमर्रा जिंदगी विच ओ सेवावां कमांदे हां, एक हालत विच तां इह सेवा बड़ी लाभदायक है, दूसरी हालत विच ओही सेवा हानिकारक भी है। सो इन्हां दोहां हालतां दा जिक्र अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच है, तां जो असी सही सेध प्राप्त कर सकीए। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। अकाल पुरख ने दुई कुदरत अथवा माया रूपी कायनात साज के उस विच अपनी जोत प्रवेश कर देती। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समाणी कट कट माधो जिया। इस कायनात दी प्रवृत्ति लई इस दे नाल ही हुक्म रच देता, जो कायनात दे जरे जरे विच प्रवेश अते परविरत हो रहा है। हुक्मी सभ्य उपजे, हुक्मी कार कमाए, हुक्मी काले वस है, हुक्मी साज समाए। एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक स्ते सब ओपत होई। सब सच्चा हुक्म वर्त दा गुरमुख सच समाव। चौ दिस हुक्म वर्ते प्रब तेरा, चौ दिस नाम पता लंग। सारिया जीवां विच इको इलाही जोत होण करके असी सारे उस अकाल पुरख दी उम्मत अथवा अंश होण दे नाते मानवता दे भैण भरा हां। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौन तेरे अखुट भंडारा। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। इको जोत दे नाते साडे सारिया जीवां दे अंदर इको इलाही जीवन रौ वरत रही है। इसलिए साडा बाहरला प्रगटावा तां भावे अड अड शकलां विच हुंदा है, पर अंतर आत्मे साडा आपा इको ही है। हां जी, भावे कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बाहरले स्वरूप तां अड अड हन, पर अंदरला साडा सारिया दा आपा इको जिहा है। एक पिता एकस के हमबारक, तू मेरा गुरहाई। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के पांडे, ना किछ पोच कुंभारे। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई। इसलिए हर एक जीवां दा आपस विच उस नाल लिखे हुए हुक्म अनुसार सहज सुभाए आत्मक खिच प्यार ते चाव दा प्रगटावा, मां प्यार, भैणा भरावां दे प्यार, इस्त्री मर्द दे प्यार, दोस्तां मित्रां दे प्यार, रिश्तेदारां संबंधियां दे प्यार, गुर भाईयां दे प्यार ते गुरमुख जना दे प्यार आदि राए प्रगट होंदा रहिंदा है। जिस दे उमाहा विच सारे जीव एक दूसरे तो वारने अते सदके जांदे होए सेवा द्वारा आपा वारण विच खुशी अते चाओ महसूस करदे अते माणदे हन। पर ए दीसनहार कायनात हों तारी माइकी मंडल दा वट खेल तमाशा अथवा परपंच है, जिस विच हों मैं अथवा मैं मेरी दे परम द्वारा वैर विरोध निंदा चुगली ईरखा द्वैत डर वहम परम चिंता शांति गलत फहमी शक तनाव नफरत वितकरा खुदगर्जी साड़ा त्वसब तड़ेबाजी तकेशाही लुट खसुट बेईमानी धोखेबाजी खिचो तान बदले दी भावना लड़ाई झगड़े ते जुल्म आदि दा जगत विच पड़थू मचिया होया है। कहण तो भाव ए कि जिथे आत्म खिच द्वारा साडा सारिया दा आपस विच सेवा करन विच इक चाओ बने होया सी, आपा वारण नू दिल करदा सी, ओ होमे ते मैं मेरी कारण, होमे कारण स्वार्थ आ गया, स्वार्थ कारण खुदगर्जी आ गई, ते खुदगर्जी कारण दूजिया नू दुख पहुंचा के भी आप जद सुखी होंदे तां खुशी होंदे आ, उल्टा काम हो गया। जिथे आपा वारना सी दे के खुश होना सी, उथे लुट के हुण खुश होंदे हां। सो सतगुरां ने इस होमे वेड़े जीवन नू अगवाई लई उच्ची सुची जीवन सेध गुरबाणी द्वारा इउं दित्ती के किवें असी इस दूसरी हालत तो पहली हालत विच किवें आ सकदे हां, कि होमे दूर होवे ते फिर सारिआं दा आपस विच प्यार बने ते इक दूजे तो वारने ते सदके जाइए। उस लई ए उपदेश कमाउणे चाहीदे हन। काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। हाथी कार कमावणी, पैरी चल सत्संग मिले ही,
किरत विरत कर धर्म दी खट खवालन पाए करे ही, किरत विरत कर धर्म दी हाथों दे कै पला मनावे। गुरसिखी दा राहो एहो गुरमुख चाल चले सो देखे, काल खाए सेवा करे गुर उपदेश अवेश विशेख है, काल खाए सुकृत करे वड़ा होए ना आप गणाए। काल खाए किच हाथों दे दे अर्थ थन के मेहनत अते कालना द्वारा कमाई करके उस विचो वंड छकना अथवा परोपकार करन नूं ही सेवा किया जांदा है, क्योंकि हुण असीं खुदगर्जी है लै के खुश होंदे हां ते जदों गुरु बाबे दे उपदेश नूं कमावांगे मेहनत करके दूजियां नूं देवांगे फिर आपसी प्यार वधेगा। सो काल खाए किच अथों दे दे अर्थां मेहनत ते कालना द्वारा कमाई करके उस विचों वंड छकना अथवा परोपकार करन नूं ही सेवा किया जांदा है। हाथों दे के भला मनावे अनुसार वस्तुआं ते पदार्थां दा दान करना भी उत्तम सेवा है। इस किस्म दी सेवा सब तो सोखी सेवा है। हां जी, दान करना ए सेवा उत्तम भी है ते सोखी भी है। जो असी सारे किसे ना किसे शकल वे थोड़ी बहुती कर रहे हां, जिया के माया दान, अन्न दान, कपड़े दान, भूमि दान, इलाज दान आदि। भाई गुरदास जी दी बाणी विच दान दी बाबत इउं प्रेरणा कीती गई है, नाम दान इशनान कर्म कमाया, निव चलन मिठ बोल काल खवाया। मिठा बोलन निव चलन हाथों दे कै पला मनाए। सो जेकर ऐसे दान दी सेवा इखलाकी फर्ज समझ के कीती जावे तो इस द्वारा मन विच खुशी चाव ते श्रद्धा भावनी पैदा होंदी है अते सेवा करके मन भला मनाउंदा है अते शुकराने विच जांदा है कि सेवा करन दा मौका मिलिया है। हां जी, जे इखलाकी फर्ज समझ के सेवा कीती जावे, सोच के असी भी रब दे बच्चे, जिन्हां कोल कुछ थोड़ा बहुत घट है वह भी रब दे बच्चे, मानवता दे भरा हां, जे रब ने सानू कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा दिता है दूसरे लई वंडण लई, इस तरह फिर मन शुकराने विच आउंदा है कि सानू भी सेवा करन दा मौका मिले। पर आम तौर ते जद असी दान करदे हां तां इस दे पिछे साडी कोई गर्ज हुंदी है, या देखा देखी करदे हां, या बद्दा चट्टी करदे हां मजबूरी विच, या होमे विच करदे हां, या माण वडियाई लई करदे हां, या अपनी कोई तृष्णा दी पूर्ति लई करदे हां, या कोई दुख हुंदा है उसकी निवृत्ति लई करदे हां, या अपने पापा नूं छुपावण लई करदे हां, या जमा दी सजा तों बचण लई करदे हां, या स्वर्ग दी लालसा लई करदे हां। सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार। सो जे कोई वाशना तार के जड़िया असी उपरोक्त पढ़िया, एहो जी कोई भी वाशना लैके असी दान करते हां तो एहो जिहा दान निफल जाता है, व्यर्थ, बल्कि फोका कर्म कांड बन के ही रह जाता है। इशनान दान जेता करे दूजे पाए खुआर, मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई, कीता करत्या बिरथा गया इक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। तीर्थ व्रत अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। ओम जग बो दान कर मुख वेद उचरणे, कर्म तरम पै परम विच बो जमण मरणे। ऐसा दान जीव ले कल्याणकारी होण दी बजाय साडी होमे नूं होर पठे पाउंदा है। मिसाल दे तौर ते धर्म स्थाना ते परोपकारी संस्थावां विच कंधां उत्ते फर्श उत्ते अते दान कीतियां होईयां वस्तुआं उत्ते दानियां दे नाम लिखे हुंदे हन, इह सब होमे दा ही प्रगटावा है। हां जी, माण वडियाई लई या कोई गर्ज लै के सेवा कीते तो उल्टा काम है। जिथे इखलाकी फर्ज करके समझ के सेवा कीती जांदी उत्थे तां मन विच चाव ते श्रद्धा भावनी पैदा हुंदी है, ते दे गर्ज नाल सेवा कीती तां होर होमे नूं वधाउंदी है। ते दूजे पासे जेकर अरदासिया भुल अथवा अणगहली नाल किसे दानी दा नाम बोलना भुल जाए तां रोस कीता जांदा है कि नाम क्यों नहीं बोलिया। अजोके समें विच काला बाजारी द्वारा, रिश्वत द्वारा, तके शाही द्वारा, ठगी ठोरी द्वारा, यानी दसना एक चीज ते गलत चीज दे देनी, ठगी ठोरी, बेईमानी, वड्डी खोरी द्वारा, धोखेबाजी द्वारा, स्मगलिंग द्वारा, चोरी द्वारा, लुट खसुट द्वारा,
अते वक्त दी टाल मटोल करके कम चोरी द्वारा तनखाह लैके उस विचों दान पुन करन नूं ही सेवा समझी बैठे। इस तरह दा दान पुन करना सेवा नहीं अखवा सकदा, अते ऐसा कीता होया दान व्यर्थ जांदा है, बल्कि दान लफज दी बेअदबी करनी है, जिस नूं पखंड भी किया जा सकदा है। आम जनता इसे भुलेखे विच भी पई हुई है। वो सोचती है चलो रिश्वत लै ली तां की आर जाए, झूठ बोल लिया तां की फर्क पैंदा है, वो लैके गुरु घर विच दे देगी, एक तीर नाल दो निशाने, अपना कम भी सारिया ते दान भी हो गया। ये सारे इस तरह के भुलेखे विच पे हुए हैं। पर जिहड़ा रिश्वतखोरी है या काला बाजारी है या ठगी ठोरी या धक्के शाही या कम की चोरी इन्हां या समगलिंग द्वारा जिहड़ा सी पैसा कमा के दान करते हाँ, ये आप जदों वरतेंगे उस पता नहीं बिरती का की हाल होगा। पर इत्थे लिखिया है कि दान लफजा की भी निरादरी है, उस लफजा नूं भी भ्रिष्ट कर देंदा है भ्रिष्ट होया पैसा। सो फिर दोहरा दईए कि अजोके समय विच काला बाजारी द्वारा, रिश्वत द्वारा, धक्के शाही द्वारा, ठगी ठोरी द्वारा, वड्डी खोरी द्वारा, धोखेबाजी द्वारा, समगलिंग द्वारा, चोरी द्वारा, ते लुट खसुट द्वारा, अते वक्त दी टाल मटोल करके कम चोरी द्वारा तनखाह लैके उस विचों दान पुन करन नूं असी सेवा समझी बैठे हाँ। इस तरह दा दान पुन करना सेवा नहीं अखवा सकता, जे कर भी दिता यो जे पैसे लैके सेवा नहीं अखवा सकता, ते ऐसा कीता होया दान व्यर्थ जांदा है, ते बल्कि दान लफज दी बेअदबी भी करनी है, जिसनू पखंड भी किया जा सकता है। पर आम जनता इसे भुलेखे विच पई हुई है। गुरबाणी भी इस गल दी गवाही भरदी है, जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे, अगे वस्त संजाणी है पितरी चोर करे, वडिये हाथ दलाल के मुसवी ए करे, नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे। गुरबाणी अनुसार तां दसा नोहां दी किरत अथवा कालणा द्वारा कीती कमाई विचों ही कीता होया दान सफल हो सकदा है। कोई विरला गुरमुख जन ही भाई लालो वांग खट काल के सहज सुभाए दान देंदा है। ध्यान देना जी, जिहड़ी दसा नोहां दी किरत विचों इक कौड़ी दित्ती होई ते चोरी वड्डी खोरी ठगी ठोरी द्वारा लखां रुपए दे दान उस दे अगे कोई मुल नहीं रखदे। कोई विरला गुरमुख जानी भाई लालो वांग खट काल के सहज सुभाए दान देंदा है, ते असली अर्थां विच काल खाए के हथों दे दी कमाई करदा होया सेवा करदा है। गुरमुख सेवा काल विरले कालीए, सत संतोख दया धर्म नाम दान इशनान दृढ़ाया, गुर सिख लै गुर सिख सदाया। मिठा बोलन निव चलन हथो देना सहज सुहेला, गुरमुख सुखफल नेहो नवेला। माया विच उदास कर नाम दान इशनान दृढ़ाया, बारह पंथ इकत्तर कर गुरमुख गाड़ी राव चलाया। नाम दान इशनान कर्म कमाया, निव चलन मिठ बोल काल खवाया। गुरसिखी दा राहो एहो गुरमुख चाल चले सो देखे, काल खाए सेवा करे गुर उपदेश अवेश विसेखे। मिठा बोलन निव चलन हाथों देके पला मनाए, थोड़ा समणा खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए। काल खाए सुकिरत करे वड्डा होए ना आप गणाए। इस दे एन उल्ट जो जीव सिर्फ माया एकत्र करन विच ही खचत रहंदे हन, परोपकार अते धर्म कारजां नमें दान नहीं देंदे, ऐसे किरपन अथवा शूमां दी बाबत गुरबाणी विच इउं ताड़ना कीती गई है। जिहड़ा कठी करे जांदे हन उह जिथे भी धर्म कर्म काज होंदे हन उहनां वस दान नहीं देंदे, उहनां बाबत भी ताड़ना है गुरबाणी विच। साकत बंद पए है माया बिकसंचै लाए जकीड़ा, हर कै अर्थ खर्च न साके जमकाल सह सिर पीड़ा। ताए ताए किरपन शर्म कीनो इकत्तर करी है माया, दान पुन नहीं संतन सेवा किती काज ना आया। किसे कवि ने एओ जे शूमा बाबत इओ कटाख वरत्या है, दान बिन दर्प निदान ठहरात को, ज्ञान बिन यश अपयश कर करगे। कवि राय संतन सुभाए सूने शूमन के, तरम बिहूने तन तरा तर तरगे। सो सेवा जीवन दी सफलता लई जरूरी अंग है। गुरबाणी विच सेवा बाबत सानू ताकीदी हुक्म है, सुख होवे सेव कमाणिया सब दुनिया आवण जाणिया।
विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई। कल इस तो अगां फिर पढ़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।